अब वो भसेरी बिल्कुल बिल्कुल करता राजी बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। वही सारे मुंह लटक गए के सारे थे और उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग का ऑर्डर बिना गवाहियों के बिना डॉक्यूमेंट के जांच के दिया गया, इस ऑर्डर को हाईकोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करते है उस ऑर्डर का ये। और बोले इलेक्शन इसमें मशीनों का वो है, इसमें आपका गड़बड़ ज्यादा ये हुई है, क्या हुआ क्या कुछ है, कोर्ट ने ये सब कुछ देखा ही नहीं। केवल बहस के आधार पर आप कर सकते हैं, दो वकील खड़े होकर बहस कर ली और जीत हार बता दी जाए, ऐसे कैसे हो जाए। हंसने लगे दोनों जन के हमारे वकील ने पूछा क्या खन्ना जी क्या विरोधी हुआ तथ्यों की जांच, बोले नहीं जी। क्या गवाहियां नहीं हुई, क्या बोले नहीं जी। कागज नहीं देखे, बोले नहीं जी। अब बोले इसको इलेक्शन कमीशन को, उसका भी वकील था, वो कहने लगे कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया ही नहीं गया। उसको देख के जज उतरे थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें उन्होंने कहा कि ये कहां का चुनाव, आपको बोले दिल्ली का, दिल्ली का है। तो तुरंत जो है उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर किया, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किया है। अब जो वापस कर दिया और ये बोले कि इसको जो तथ्यों को कार्यों को आप देखिए और ये ऑर्डर जस्ट किया जाता है। तो पहले उसे चुनावों में हराया बीजेपी ने, फिर उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, आज उस समय तो चीफ जस्टिस थे और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो हारे, यानी कांग्रेस की दोबारा हार हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। विधायक श्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, विधायक श्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जनता और पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री शिवराज सिंह चौहान सच्चाई का बोलबाला, सच्चाई का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती को स्वीकार किया। किसी भी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और वोटर मशीनों में तो कोई किसी प्रकार की गलती हो नहीं सकती। दस आपको जो काउंटिंग पर देखते हैं, 10 टेबल की रिकाउंट यानी काउंटिंग हुई, उस पर अब की बार तो काउंटिंग एजेंट के दस्तखत होते हैं, उसके बाद फिर डिस्प्ले होता है बोर्ड पर, फिर अनाउंस होता है किसको कितनी वोट मिली। और तीन ही केवल उस कैंडिडेट में यहाँ पर नेक टू नेक फाइट थी, कांग्रेस बौखला गई, वो केवल राजनीति में इलेक्शन के बने रहने के लिए इसलिए गुमराह कर रहा था। और राजनीति में ये कहीं भी क्षमा किया नहीं जा सकता, ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। आपको एक विग्रह एक फिर पुनर्जागृति के द्वारा निकलना चाहिए कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस को इस क्षेत्र से नष्ट नाबूद करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए पूरी तरह से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पर आप सब कार्यकर्ता जलाओ जलाओ जलाओ, पीयूष शर्मा जी, हरीश जी, जला दो पटाखे, अपने विजय बहन जी और मनोज कश्यप जी, कश्यप जी दूसरे सारे जितने अपने साथी हैं सब, आप सब यहाँ पर आए हैं, महिलाएं आई हैं, बहुत सारे डॉक्टर साहब और कश्यप जी ने, और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कार्यकर्ता अपने काम पर लगे पूरी तरह से। कॉर्पोरेशन के चुनाव निकट भविष्य में आने वाले हैं, उसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार करें। टाटा डिस हो गई है पूरी तरह से कांग्रेस की, और कम से कम ये सिद्ध हो गया है जीत होती है, कार्यकर्ताओं की जीत है। आप सब यहाँ पर आए, आप सबने स्वागत किया, ये लड्डू ये मालाएं ये सब कार्यकर्ताओं की देन है, ये सब कार्यकर्ताओं की देन है।
और रहने दो आ जाओ ऐसे आ जाओ खड़े हो। चौहान साहब इसमें एक बात बताएंगे आप कि क्या था ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो पूर्व विधायक गया तो वो मामला क्या था ये बताएंगे। देखिए मामला ये है कि 2008 में चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के और उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे विजयी घोषित किया गया था, 580 वोटों से विजयी घोषित किया गया था और बहुत ट्रांसपेरेंट चुनाव थे। लेकिन कांग्रेस के भीष्म शर्मा ने इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन पटिशन डाली थी और उस इलेक्शन पटिशन में उन्होंने जो फार्म होते हैं 17C फार्म जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है उसमें ओवरराइटिंग की गई और एसडीएम ने अपने दावे में ये कहा है, कोर्ट से कहा है कि इस भीष्म शर्मा के खिलाफ परजूरी यानी जो शपथ झूठी खाई जो कागज जमा करी उसके बारे में और फोर्जरी के बारे में मुकदमेबाज होना चाहिए उन झूठे कागजों के आधार पर। ये मुकदमा डाला था हाई कोर्ट ने, रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए। हालांकि हम रिकाउंटिंग से डरते नहीं थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार के पास में जलाओ, एक इधर जलाओ थोड़ा दूर या गली में जल जाए कहीं जल जाए कार बिल। इसमें हाई कोर्ट में आपके वकील कौन थे और सामने वाले? हमें हाई कोर्ट ने रिकाउंटिंग के ऑर्डर गलत दिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और पिछली बार हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर पहले स्टे किया था और अब डबल बेंच ने जिसमें कि जस्टिस ऑनरेबल पटनायक जस्टिस ऑनरेबल गोखले की डबल बेंच ने हाई कोर्ट के रिकाउंटिंग के घोड़ा विधानसभा के चुनावों से संबंधित रिकाउंटिंग के ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और कहा कि ये आदेश बिना तथ्यों की जानकारी के बिना गवाहियों को लिए हुए है और बिना जो कागज जो किए उनकी जांच किए हुए जो मान्य नहीं हो सकता। इसमें हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील खड़े होंगे तो वकील आपके कौन थे? हमारे जो वकील थे श्री आलोक कुमार और यूएस चौधरी थे और सुप्रीम कोर्ट में श्री सब जो स्टे दिलाया था सुप्रीम कोर्ट में उस समय श्री रविशंकर प्रसाद जी थे हमारी तरफ से और आज जो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में श्री राकेश कुमार खन्ना आलोक कुमार और श्री यूएस चौधरी जी उपस्थित हुए थे। तो आप ये क्या संदेश देना चाहोगे आप घोंडा विधानसभा क्षेत्र के? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जनता ने फैसला जो किया था चुनावों में बहुत सोच समझ के किया था और कोर्ट के निर्णय ने ये स्टैंप लगाई है कि जो निर्णय जनता का था वो जनता की जीत है। साहब सिंह चौहान को विजयी बनाया, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाया, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस में अविश्वास व्यक्त किया है और भीष्म शर्मा को हराया था उसको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जीत का सिलसिला क्या आगे विधानसभा के चुनाव तक और ये त्योहार का सिलसिला जो चल रहा है सिलसिला चौबे या घोंडा में कांग्रेस हावी थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कांग्रेस को हरा करके अपनी जीत का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। अब आने वाले चुनावों में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के आने वाले चुनाव में विधानसभा के आने वाले चुनावों में लोकसभा के आने वाले चुनावों में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।